हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू इन द लाइफ यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2024 के अंदर रीजनिंग की क्लास नंबर 4, जिसके अंदर रीजनिंग के अंदर रैंकिंग हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। और रैंकिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर सीएपीएफ और काफ़ी आसान चैप्टर है, आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हो। अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और आप उसको ईजिली हैंडल तभी कर पाओगे जब आपको इसका बेसिक आता होगा। तो बेसिक ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का ही होगा। उसके बाद आपके सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, ठीक। इसके अलावा अगर अभी तक आपने 2022-23 के कोर्स नहीं देखे, अगर आप में से कोई स्टूडेंट भी चाहता है कि हम इस कोर्स को फास्ट फास्ट करना चाहते हैं, तो आप इन कोर्स को 2022-23 वालों को कवर कर सकते हो। इसके अलावा 2022-23 का मैथ का कोर्स भी अवेलेबल है और अभी साइड बाय साइड 2024 का कोर्स भी मैथ का चल रहा है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप कोई भी कोर्स लगा सकते हैं, जो बेसिक होगा वो सबका सेम होगा। बेसिक हमारे हर एक जो चैप्टर का होगा वो सेम होगा, बस क्वेश्चन जो होंगे वो हर एक के पोर्शन के डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे ट्राई किया कि डिफरेंट हो, कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। और इसके साथ पी वाई क्यू आप लगा सकते हो, ईयर वाइज आपको मिल जाएंगे लगभग लास्ट 20 साल के, इसको फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं या फिर मुझे पता चलता रहेगा कितने बच्चे यहाँ पे प्रॉपरली डेडिकेटेड चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो 29 रुपीज़ पर मंथ की मेंबरशिप है, इसको मेंबरशिप आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट है कुछ रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन इसके लिए पूछनी है मैथ रीजनिंग के लिए, तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो। और जो भी हम पढ़ाई करेंगे उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग 50 के आसपास प्लेलिस्ट होंगी, आप कोई भी प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप CDS या SSC का मैथ सीखना चाहते हैं, हायर मैथ सीखना चाहते हैं, तो भी आप इस YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी कंटेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेरिटोरियल आर्मी हो गया, CAPF हो गया, इंटेलिजेंस प्योर हो गया, CISF हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनके मिलते रहेंगे। इनका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट पेपरों के प्रीवियस ईयर करोगे तो आपकी लेवल है, आपकी नॉलेज है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, क्लियर। तो बेसिक आपको मैं यहाँ पे रैंकिंग का थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आने वाले हैं। मान लो अगर मैं ये बोल दूँ कि ए हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर है बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए जो है वो बी से ऊपर होगा, तो मतलब है वो ग्रेटर है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ हमारे पास जो बी है वो हमारे पास यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन डी, तो बी इज ग्रेटर देन डी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर मैं डी यहाँ पे बना दूंगा तो बी इज ग्रेटर देन डी, तो इसको बोलते हैं रैंकिंग का फर्स्ट पॉइंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, जो एक मैंने आपको इम्पोर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट बताया, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा, मान लो हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, सो जो ए की पोजीशन है वो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड से कितनी, लेफ्ट हैंड से सेकेंड है, तो राइट हैंड से कितनी, राइट हैंड से आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे फोर्थ है। बट अगर आप लेफ्ट हैंड राइट को ऐड करोगे तो वो तो टोटल नंबर आने चाहिए थे, तो टोटल नंबर है कितने, 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास टोटल नंबर आने चाहिए थे। मतलब अगर मैं 2 + 4 करूँगा लेफ्ट राइट वाली पोजिशंस को अगर मैं ऐड करूँगा, तो टोटल नंबर तो हमारे पास यहाँ पे 5 है, बट ये कितने हो रहे हैं, 6। तो 6 में से एक नंबर माइनस करेंगे तभी आएगा ये वाला, हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं आने का, सॉरी ये हमारे पास 5 तभी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे -1 का होगा, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा बेसिक रैंकिंग कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1 करेंगे तो टोटल नंबर आएगा। पेपर में क्या होगा, यहाँ पर देखो लेफ्ट राइट टोटल नंबर -1, तो आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास यहाँ पे पेपर में या तो ये दोनों देखकर ये पूछ लेंगे, या फिर ये और ये देखकर आपसे राइट पोजीशन पूछ लेंगे, या फिर आपके पास यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन पूछ लेंगे और इसको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देंगे, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन बताई है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज लाइक दिस, और ऐसी आपके पास वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लेफ्ट और राइट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप एंड बॉटम। तो आप उसको भी इस फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं, डायरेक्ट वही कंसेप्ट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो ऊपर से अगर मेरे पास एक पोजिशन ए है तो नीचे से एक पोजिशन मेरे पास ए है, तो आप चेक करोगे ये ऊपर से सेकेंड है नीचे से फोर्थ है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा टॉप प्लस बॉटम -1 = टोटल नंबर। सेम वही कंसेप्ट है, बस ओरिएंटल का हमने वर्टिकल लिया है। ये बेसिक आपको आना चाहिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 = टोटल नंबर। तो ये आपका बेसिक है,
अब करेक्ट हम चलते हैं इसके सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। उसके बाद बीच बीच में हमारे पास कंसेप्ट आएंगे, उनको आगे जाके डिस्कस करेंगे और नया क्वेश्चन क्या आ सकता है वो भी इस क्लास में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम इसका बेसिक पॉइंट पे, बेसिक क्वेश्चन जो हमारे सीएपीएफ में आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास टोटल जो है 5% हमारे पास क्यों नहीं, ये सीएपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सचिन, कुणाल मोहित, अमित सोहन। सचिन इज शॉर्टर देन कुणाल, मतलब कुणाल से शॉर्टर है सचिन, तो मैं यहाँ पे सचिन को नीचे बैठाऊंगा तो पता चल जाएगा कुणाल ग्रेटर है। बट टॉलर देन सोहन, सचिन है वो सोहन से टॉलर है, तो सोहन को मैं नीचे बैठाऊंगा, सोहन से टॉलर हो गया। मोहित इज द टॉलेस्ट, मोहित सबसे ज्यादा बड़ा टॉलेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अमित इज अ शॉर्टर देन कुणाल, कनवाल जो है कुणाल से जो है अमित जो है वो छोटा है, बट लिटल टॉलर देन सचिन, तो कुणाल से छोटा है, तो यहाँ पे होगा कुणाल से छोटा है, सचिन से ग्रेटर है, तो अमित यहीं पे बैठेगा इन दोनों के बीच में। इफ दिस स्केल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट, तो मैंने हाइट के अकॉर्डिंग ही तो इंक्रीज किया, हु विल बी एट द थर्ड, थर्ड में कौन आएगा, अमित ही आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी तो आंसर आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज आप खुद भी हो सकते हैं। अगर आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपका फ्री का नंबर है, और ये नहीं कि ये आता नहीं, पेपर में आते हैं, अगर स्टेट एग्जाम दोगे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो सिक्स बुक्स आर कैप्ट वन अनदर, हिस्ट्री बॉक्स इज जस्ट अबव कॉमर्स, तो हिस्ट्री की बुक जो है वो कॉमर्स से जस्ट अबव है। मैथमेटिक बुक इज जस्ट अबव ऑफ सिविक, तो हमारे पास जो सिविक है उससे ऊपर हमारे पास किसकी बुक है, मैथ, एंड जस्ट बिलो फिजिक्स बुक, जो हमारे पास यहाँ पे मैथ की बुक है वो फिजिक्स से जस्ट बिलो है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, इंग्लिश बुक इज बिटवीन हिस्ट्री एंड सिविक, तो जो हमारे पास इंग्लिश है उसकी बुक कहाँ पे आ रही है, हिस्ट्री और सिविक के बीच में आ रही है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो, उसने ये बोला हुआ था इन्फॉर्मेशन कि एक के ऊपर एक पड़ी है, 6 किताबें टोटल, और हमारे पास जो इंग्लिश की किताब है उसको बस एडजस्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इंग्लिश की जो हमारे पास बुक है वो कहाँ पे, हिस्ट्री और सिविक के बीच में है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि हिस्ट्री को यहाँ पे लिखूँ, क्लियर, और सिविक वाला ये वाला जो पोर्शन है, सारे बच्चे इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो भी आपका कंसेप्ट बनेगा कि हिस्ट्री वाला तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, इसके साथ कौन सा था हमारे पास, कॉमर्स वाला, तो इसके नीचे मैं कॉमर्स वाला बिठा लेता, हिस्ट्री और सिविक, सिविक ये वाला ये है। ठीक है, इसके बीच में मेरे पास इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश की बुक है, और मैथ और फिजिक्स डेफिनेटली क्या होंगे इसके ऊपर ही आएंगे ऐसे। तो उसने क्या लिखा है, विच बुक इज बिटवीन मैथ बुक एंड इंग्लिश बुक, मैथ बुक ये रहा और इंग्लिश ये रहा, मैथ और इंग्लिश के बीच में कौन सा रहा है, सिविक, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं, इफ एक्स इज टॉलर देन वाई, इसको भी आप उसी फॉर्मेट में लगा के कर सकते हैं, इफ एक्स इज टॉलर देन वाई एंड जेड इज रिचर देन एक्स, ओके, सो इफ एक्स इज टॉलर देन वाई एंड जेड इज रिचर देन एक्स, जेड ऊपर होगा, पी इज रिचर देन जेड, ठीक है, पी ऊपर आएगा, क्या वो इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल, क्या वो सबसे रिचेस्ट होगा, वी हु अमंग द फॉलोइंग विल हैव द सेंट्रल पोजीशन इफ ऑल आर मेड सिटिंग द अबव टू द डिग्री ऑफ थिकनेस, तो मिडिल में कौन आ रहा है, जेड, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते हैं, सिक्स फ्रेंड आर गिवन सीटेड इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर, F इज बिटवीन द ए एंड डी, सी बिटवीन द सी ई एंड डी, ओके, तो जब भी आपके पास सीटेड आएगा तो या तो सर्कल में बिठाए जाएंगे ऐसे या फिर रेक्टेंगल में, इनका बस एक ही कंसेप्ट होता है, उसको अंडरस्टैंड कर लो। अगर मैं यहाँ पे सर्कल की बात करूँ, सर्कल के अंदर फेसिंग टू द सेंटर बोला है, कितने पर्सन है, टोटल 6, फेसिंग टू द सेंटर होगा, अगर ये नीचे को देख रहा होगा तो ये इसके बराबर एक यहाँ पे इसका फ्रेंड होगा, अगर यहाँ पे इस साइड होगा तो इस साइड भी एक इसका फ्रेंड होगा, अगर ये इस साइड होगा तो यहाँ पे भी एक इस साइड इसका फ्रेंड होगा, और इन साइड है तो आप ट्रायंगल को यहाँ पे एंगल जो एरो है उसको आप इसको इन साइड बनाओ, क्लियर। इफ एफ इज बिटवीन ए एंड डी, तो हमें कहाँ पे पता चलेगा कि एफ कहाँ पे रखें या फिर ए और डी किस साइड आएगा, तो अगर आपको नहीं भी पता तो कोई ऐसे चक्कर वाली बात नहीं, आप कहीं पर भी इसकी पोजिशन को ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती इस क्वेश्चन में, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जैसे यहाँ पे एफ है बिटवीन ए एंड डी, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि एफ यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, और साथ ही साथ एक पोजीशन आप दिमाग में ये भी तो लगा सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो पर्सन बिठाए थे इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ यहाँ पे है, और क्या पता डी यहाँ पर और ए हमारे पास यहाँ पे है, तब तो भी तुम बोलेंगे कि एफ और ए और डी के बीच में, ठीक है। सो आगे सी जो है हमारे पास वो ई और बी के है, तो सी और सी ई बी की तो लोकेशन हमें पता नहीं, इज नॉट बिटवीन डी एंड सी, जो ई है वो डी और सी के बीच में नहीं बैठेगा,
डी की पोजीशन हमें पता है, क्लियर। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए सी, तो सी के सेकंड लेफ्ट पे डी बैठे हैं। तो अगर आप यहाँ पे सी को बिठाओगे तो इसके सेकंड अंदर को देखेगा तो लेफ्ट पोजीशन ये है, तो इसका डी यहीं पे होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं पे भी सी बिठा सकता हूँ तो यहाँ पे बिठाना पड़ेगा सी, तभी इसके लेफ्ट पे डी आएगा। इसका मतलब लेफ्ट पे डी आना मतलब यहाँ पे सी बिठाना था, तो यहाँ पे ए है, तो ये पोजीशन हमारे पास हो गई रॉन्ग। क्लियर, ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने इसको क्यों यहाँ पे एलिमिनेट किया। एक बार आप दोबारा वीडियो को थोड़ा बैक करोगे तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे तो पोजीशन है हमारे पास उसको देने के लिए, बट इस साइड हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है। आगे जो लिखा हुआ है हमारे पास कि ई और सी इज बिटवीन ई एंड बी, ई इज नॉट बिटवीन डी एंड सी, मतलब डी और सी के बीच में ई हमारे पास यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे ई नहीं आ सकता, तो बचा कहाँ पे, यही भी आएगा ही। क्लियर हुआ। और जो सी है इज बिटवीन ई एंड बी, ई और यहाँ पे मुझे बी रखना पड़ेगा, बी और ई के बीच में सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ ए डेड, डी डी की पोजिशन कौन सी है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। आप खुद चेक करो हमारे पास ये रहा, इसके सेकंड टू राइट के ऊपर डी बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टू द राइट ऑफ ए बी, बी के लेफ्ट में बैठा है, बी के लेफ्ट में है, राइट नहीं है यहाँ पर, या नेक्स्ट टू द राइट है, राइट नहीं है, लेफ्ट पे बैठा है, गलत ऑप्शन। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये भी गलत ऑप्शन, लेफ्ट पे बैठा है, थर्ड लेफ्ट नहीं है, सिर्फ लेफ्ट। फोर्थ टू द राइट ऑफ ए के सेकेंड राइट के ऊपर है, ये भी गलत ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फाइव के ऊपर, ए बी सी आर, ये फिर से आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका होमवर्क है। छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी दूंगा बीच में, तो ये अगर आपको इसका कमेंट प्रॉपरली पता करना है कि इसका आंसर की क्या होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इसकी प्रॉपरली आंसर मिल जाएगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब अमंग द फाइव मंगलर, ओके मंगला इज इट ऑल, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आप घर पे कर लेना। दो चार क्वेश्चन मैंने खुद दिए आपको घर पे करने के लिए, ये वाले, तो इसको आपने जरूर कर लेना, कमेंट में बताना है आपका आंसर क्या आया, ठीक है। यहाँ पे जो चलते हैं, अब आपको जो मैं पहले बता के आता हूँ, ठीक, इन ए क्लास ऑफ ए 60, अब ध्यान रखना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन भी बनेगा बीच में। इन ए क्लास ऑफ ए 60 स्टूडेंट वेयर द गर्ल्स आर ट्वाइस सेट ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स और बॉयज की जो रेशियो होगी वो हमारे पास टू रेशियो वन है, तो टोटल कितना हो गया 3, और 3 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 20 होगी, 2 की वैल्यू यहाँ पे 40 होगी। और आगे क्या लिखा हुआ है, कमल रैंक 17 फ्रॉम द टॉप इफ 9 गर्ल अडॉप्ट कमल, मतलब कमल की बात कर लेते हैं, कमल यहाँ पे क्या है, रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 17th नंबर के ऊपर, तो इसके ऊपर 16 पर्सन होंगे, तभी तो इसका नंबर बताना होगा। 16 पर्सन में से सारे बच्चे ध्यान रखना, 9 जो है वो इसके आगे लड़की हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 9 जो है इसके आगे गर्ल है, तो अगर 9 लड़कियाँ होंगी इसको 16 बनाने के लिए 7 यहाँ पे क्या होंगे, बॉयज होंगे, तभी तो इसका यहाँ पे 17 नंबर आएगा। उसने पूछा था नंबर ऑफ द बॉयज इन द रैंक आफ्टर हिम, आफ्टर हिम इसके बाद कितने यहाँ पे हमारे पास बॉयज बचे हैं वो आपसे पूछा है, तो आप सिंपल चेक करो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है कितने यहाँ पे, 20, 20 में से 7 बॉय तो ये चले गए और एक कमल जो है वो चला गया, तो टोटल कितने पर्सन चले गए बॉयज में से 8, 20 में से अगर 8 चले जाएंगे तो बचे कितने गए यहाँ पे बॉयज आपके पास 12, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में कि हमारे पास उसने यहाँ पर ये कहाँ पे मेंशन किया कि कमल जो है वो बॉय है, अगर क्या पता कमल गर्ल होता, अगर कमल गर्ल होता तो इसका आंसर क्या होता, सो हाउ यू डिसाइड अबाउट द कमल इज ए मेल और फीमेल, वैसे तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं मेंशन है तो हिम हर से डिसाइड करना है, अगर हिम लिखा हुआ है इसका मतलब वो मेल है, क्लियर। ये आपको छोटी छोटी पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं, देयर आर फाइव फ्रेंड टी के आर एस टी, टी इज यंगर टू क्यू, टी इज यंगर टू आर एंड एस बोथ, टी इज एज ओल्ड एज आर, के पी इज यंगर टू एस मेनी एस दोस हु आर यंगर टू एस, हु अमंग द फाइव फ्रेंड्स इज द एल्डेस्ट, सबसे यहाँ पे एल्डेस्ट कौन होगा ये पूछा गया। टोटल आपके पास फ्रेंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सबसे पहले लाइन दे रखी है हमारे पास पी इज यंगर टू क्यू, तो क्या उसे हमारे पास छोटा होगा पी, और आगे दे रखे टी इज यंगर टू आर एंड एस, तो आर और एस से, आर और एस से छोटा होगा मेरे पास यहाँ पे टी वाला पॉइंट, और नेक्स्ट है पी इज एज ओल्ड एज आर, मतलब पी के बराबर आर है, तो पी और आर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और इससे जो है टी नीचे आएगा क्योंकि हमारे पास आर से नीचे है, तो अगर इससे इससे भी नीचे आएगा तो यहाँ पे एक मेरे पास एस बच गया, एस कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। आगे लिखा हुआ है पी इज यंगर टू एस, यहाँ पे पर्सन भी काउंट कर लो, पर्सन 5 हो चुके हैं, ठीक है। पी इज यंगर टू एस, और पी इज यंगर टू एस मीनिंग एज ओल्ड,
जितने छोटे पी उतना से यहाँ पे छोटा होगा, ये एक स्टेटमेंट है, आप इसको रीरीड करोगे तो आपको क्लियर होगा। आप देखो यहाँ पे जो टी है उससे क्लियर है कि हमारे पास टी से बड़े कौन है, आर एस है, तो आर एस है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको एस को यहाँ पे बिठा दूँ तो आप खुद चेक करोगे कि क्या वो यहाँ पे रखें, फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे पी, और आर जो है मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, हालांकि ये दोनों बराबर है, और उसके नीचे लिख रहे हैं हम एस और टी। अब री स्टेटमेंट इसको रीड करके देखो, पी इज यंगर टू एस, पी उतनों से यहाँ पे छोटा है जितना यहाँ पे एस छोटा है, बाकी हु आर यंगर टू एस, एस से जितने छोटे हैं उतने ही हमारे पास यहाँ पे पी हमारे पास यहाँ पे छोटा होगा। तो आप चेक कर सकते हो स्टेटमेंट बिल्कुल वेरीफाइड है। तो सबसे यहाँ पे एल्डेस्ट कौन है, एल्डेस्ट मेरे पास एल्डेस्ट होगा यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। अमंग द 5 पर्सन इज शॉर्टर देन बी, ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क ही था, बट मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर बस इतने आए थे। अब हम आपको बेसिक क्वेश्चन और बताने वाले हैं, इसको आप अंडरस्टैंड करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। अमंग द 5 फ्रेंड्स ए इज शॉर्टर देन बी, बी से शॉर्टर मेरे पास ए बट टॉलर देन ई, अब बात किसकी कर रहे हैं इसको भी ध्यान में रखो, कई बार मैंने बच्चों को देखा वो बी को सी से कंपेयर करेंगे, भाई यहाँ पे किससे है बट टॉलर देन ई, किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो ए से मेरे पास टॉलर होगा, सी इज द स्लाइटली टॉलर देन बी, बी से बड़ा यहाँ पे सी है, डी स्लाइटली शॉर्टर देन बी, जो हमारे पास डी है स्लाइटली शॉर्टर है, तो डी मेरे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, ई, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्लियर। अब एक ही यहाँ पे ध्यान रखो, जो टॉलर देन ए है, बी बी से शॉर्टर है डी, तो इस लाइन को आप रीड करोगे तो आपको अपने आप ही एडजस्टमेंट समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। ए इज रिचर रिचर देन बी, जो हमारे पास ए है वो रिचर देन किससे है, बी से, सी इज रिचर देन ए, डी इज रिचर देन सी, एंड ई इज रिचेस्ट ऑफ ऑल, ई ऊपर आएगा, हु विल बी एट द मिडल पोजिशन सेंट्रल पोजिशन, तो सेंट्रल पोजिशन पे सी आर है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर टोटल कितने पर्सन है हमारे पास यहाँ पे, 16, ठीक है, और उसने लिखा हुआ है भीमा वाज शिफ्टेड बाय टू फेस टूवर्ड द लेफ्ट, टूवर्ड द लेफ्ट शी बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब हमारे पास जितने पर्सन है उसने ये नोटिस किया यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास एक पोजिशन है जो यहाँ पर है वो 17th फ्रॉम द लेफ्ट है, वो कब हुआ, जब उसने यहाँ पे 2 शिफ्ट और किया लेफ्ट को, मतलब उसकी स्टार्टिंग पोजिशन तो यहाँ से यहाँ 9th होगी ना, तभी तो 2 शिफ्ट इधर जाके 7th पे हुआ पर्सन। अब जो ये वाली पोजिशन है ये उसकी ओरिजिनल पोजिशन है, इसका क्या पूछा गया, राइट हैंड से बताओ क्या वैल्यू होगी, तो राइट हैंड से देखो वैल्यू तो आपकी सेम होगी, बट इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल नंबर, लेफ्ट वाली वैल्यू कितनी आएगी 9, राइट वाली पता नहीं, माइनस वन इज इक्वल टू टोटल नंबर, सो टोटल नंबर हमारे पास आर पॉइंट करेंगे 8 आएगा, 8 इसमें से माइनस करेंगे तो 8, ये से का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। सुरेश इज रैंक 17 द हेड ऑफ अशोक इन क्लास ऑफ 39, इफ अशोक इज रैंक 17 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13, अब ये भी आसान क्वेश्चन है बट बीच बीच में क्वेश्चन हमें कवर करने पड़ेंगे। 13 क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। इन आई एम 17 इन द क्वी फ्रॉम अदर एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्वी, वी नो कि एक पर्सन है वो 17th लगता है यहाँ पे लेफ्ट से और 17th लगता है मेरे पास राइट से, तो आपको पता चल गया होगा लेफ्ट और राइट दोनों गिवन है, माइनस वन करेंगे टोटल नंबर, सो लेफ्ट से आएगा 17, राइट से आएगा 7, माइनस वन इज इक्वल टू टोटल नंबर, दैट इज इक्वल टू 13, दिस इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी 14 के ऊपर, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप कवर कर सकते हो। निरूप पे बॉयज विद नाथ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, विकांत इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब हमारे पास एक पर्सन एस है, एक पर्सन मेरे पास यहाँ पे एस है वो 17th नंबर पे, दूसरा पर्सन है वो बी है वो हमारे पास 12th पर्सन के ऊपर है, ये इंटरचेंज है पोजिशन। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास ए बी सी बैठे हैं तो बी अब इधर बैठ जाएगा, ए इधर बैठ जाएगा, सी इधर, तो इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है, क्लियर। ऐसा ना हो कि आप कुछ और मतलब नहीं समझो, क्योंकि जब यहाँ पे डायग्राम बनेगा कि ये पर्सन हमारे पास इसकी चेयर के ऊपर आके बैठ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कौन सी थी 12 फ्रॉम दी राइट हैंड है, अब इसको भी ध्यान में रखना राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऐसा आ चुका है जिसकी राइट पोजिशन क्लियर है, जिसकी हमारे पास राइट पोजिशन क्लियर है, और ये वाला पर्सन इसकी पोजीशन पे आ चुका है, क्लियर।
अब यहाँ पे आप सारे बच्चे एक बात और ध्यान रखो, अगर हमारे पास यहाँ पे पूछा रहे हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन यू, सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर द एल प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू टोटल नंबर। सो वी आर गोइंग विद हमारे पास एक पोजिशन, देखो आपके पास ये वाली भी ठीक है। अब अगर हमारे पास ये वाली पोजिशन, उसने बोला सर वो 72 फ्रॉम द लेफ्ट हो जाता है, ये 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो जाता है। ये पोजिशन आपको दिख गई होगी कि हमारे पास ये लेफ्ट पे भी है राइट पे भी, माइनस वन करेंगे तो टोटल नंबर आएगा क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करोगे 24, सॉरी 24 नहीं आएगा, 24 यूनिट पे 34 और एक माइनस करोगे 33, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पे इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि यहाँ पे एक पर्सन है एस, यहाँ पे पर्सन है बी, इसने यहाँ पे आ गया और ये वाला पर्सन यहाँ पे आ गया, जिसकी पोजिशन जो लेफ्ट हैंड से उसने क्वेश्चन वालों ने दे रखी है वो मेरे पास 22 है, और ये वाले पर्सन आप सारे बच्चे ध्यान रखो जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है। हमारे पास ये वाली है 12 पोजिशन फ्रॉम द राइट हैंड, और ये वाली पोजिशन है मेरे पास यहाँ पे 17, ओके 17। अब आप सारे बच्चों को मैंने बताया कि हमें एक पोजिशन पता चल गई लेफ्ट राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करेंगे तो टोटल नंबर, ये तो क्लियर है। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलो ये बताओ यहाँ पे कि जो वी है, वी का लेफ्ट पोजीशन कितना है, तो लेफ्ट पोजीशन तो भैया पहले वाले था ना इसका एस जो कि 7 था, तो इसका आंसर भी 7 आएगा। बट अगर ये पूछ ले जाए कि ये वी का न्यू पोजीशन बताओ क्या होगा ठीक है, तो न्यू पोजीशन आपको ये वाली राइट हैंड से ढूंढनी पड़ेगी यहाँ से, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ फिर से एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल नंबर विच इज इक्वल टू 33 अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेशन। सो जो लेंथ होगी हमारे पास एल, लेंथ कह रहा हूँ जो एल होगा हमारे पास यहाँ पे वो कितना होगा, इसका एल तो पता ही हर एक बच्चे को लेफ्ट पोजिशन से कितना आया था 7, आर हमें नहीं पता माइनस वन, तो क्या यहाँ से आर निकल जाएगा, तो मतलब जो हमारे पास ये आर आया ये आया क्या, हमारे पास वी की न्यू पोजिशन आई है जो कि लेफ्ट हैंड से क्लियर। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 15 और ये हमारे पास 16, जिन्होंने स्क्रीन शॉट लेना है वीडियो पॉज करके आप ले सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी ठीक है। तो आज का सेशन हमारा शॉर्ट था, इसमें रीजनिंग का आपको रैंकिंग टॉपिक करवाया गया, बाकी और भी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे आपको पेपर से पहले मिल जाए, पर जितना करवा रहा हूँ एटलीस्ट उतना सारे बच्चे कवर जरूर करके ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।